उन सब पीपल आए. सो आई गॉट एन ऑफर टू रिव्यू द हाइप जिम. सो मेरे को लगा कि ठीक है आज का वर्कआउट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या है. तो मैं आप सबको बताऊँगा कि अभी मॉर्निंग है, मैं पहुँच चुका हूँ हाइप जिम एंड आई एम गोना जस्ट टेल यू कैसे है. पर उससे पहले मुझे तो पता ही था कि तुम लोग वो वापस आ नहीं है क्योंकि तुम लोग तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करते हो और तुम हमेशा देखना चाहते हो कि अब तुम्हारा भाई नया क्या डालने वाला है. तो आज तुम्हारा भाई कर रहा है द हाइप जिम को रिव्यू एंड वर्कआउट करेंगे, ट्रेनर्स के साथ बात करेंगे, देखेंगे क्या सीन है. और अगर अच्छा होगा तो तुम्हारा भाई तुम लोगों को बता देगा, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो. इनकी कुछ ब्रांचेज हैं फरीदाबाद, हरियाणा, इधर उधर काफ़ी जगह, सो दिल्ली में भी है. तो मिलते हैं, टेक केयर, सी या. मैंने थोड़ा सा वर्कआउट मार दिया है, अभी जा रहा हूँ ऊपर कि शशांक ऊपर है और शशांक कुछ कर रहा है तो मैं भी देख रहा हूँ कि क्या कर रहा है और उसके बाद अपन वर्कआउट स्टार्ट करेंगे. चलो, बहुत ही सोच समझ में. क्या कह रहा है तू, हाइप कैसा है? काफी एवरेज. फुल पावर स्ट्रेंथ देख लो लेग्स की. बाकी सही है, दो तीन फ्लोर्स में ये सब झूठ है, मेरा अभी शुरू ही हुआ है. हमारे भाई की आज किस्मत इतनी खराब चल रही ना मॉर्निंग से. मैंने जो साइकिलिंग करने के लिए जिस साइकिल पे गया वो साइकिल ख़राब, और जिस ट्रेडमिल पे गया वो ट्रेडमिल ख़राब. बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वर्कआउट तो स्टार्ट करना ही है. चलो, जिम दो फ्लोर पे है, एक ये वाला फ्लोर है, देन एक नीचे वाला फ्लोर है. सो ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें आप क्रॉस ट्रेनर, वर्कआउट, यू नो, साइकिलिंग और वो सब चीज़ें कर सकते हो. जो नीचे वाला पार्ट है उसमें इट्स ऑल अबाउट बॉडी ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग. तो चलो शुरू करते हैं अपना वर्कआउट. मैं अपने ट्रेनर को देख रहा हूँ वो कहाँ पर है, जैसे वो दिखता है तो अपन स्टार्ट करते हैं वर्कआउट. ठीक है, टेक केयर. ये ना काफ़ी बेहतरीन चीज़ है. आपको जैसे दिक्कत होती है ना बहुत ज़्यादा, अगर आप लटक नहीं सकते, शोल्डर वीक है, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा लेफ्ट शोल्डर पूरा वीक है तो मैं लटक नहीं पाता. तो ये क्या करता है, ये थोड़ा वेट देके उसको थोड़ा बराबर कर देता है. इट गेट्स इजी फॉर यू टू जंप. तो ये कर लेता हूँ मैं फटाफट, फिर वापस आता हूँ. सो बहुत ज़्यादा वनबी देखे जिमर बॉयज, जिमर बॉयज. और ये है हमारे गुरुजी, ये है हमारे गुरुजी परमिंदर साहब, और बिल्कुल भावना देते हुए हमको. तो ट्रेनर है उसने बोला कि फुल बॉडी करते हैं ताकि नो, अगर आपका हमारे साथ आगे कंटिन्यू करोगे तो मन जैसे आप एक एक पर्टिकुलर पार्ट को करना शुरू कर दो. तो आज दो दो सेट्स करेंगे हर बॉडी पार्ट का. तो सबसे पहले चेस्ट शुरू कर लें, और आज वेट कम लगाऊंगा क्योंकि वैसे मैं थका हूँ, कल रात को काम था. चलो, जिनका बेस्ट पार्ट होता है ना कि जब बुरे मियाँ के गाने जाते ना, एक नंबर सीन. सो इंसान है, इसकी है सिर्फ बॉडी इस दुनिया में. The man. अलग अलग. अरे एक आध लुक दे दो, मैं शॉट डाल दूंगा. चलो देख लो मिलिट्री ट्रेनिंग वाली आवाज. चलो देखो जिम. देर में मैं सारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसे टांग लगा है सिर्फ स्किपिंग पे. कितनी मारेगा आज? बस अभी तक 100 नहीं हुई.
शशांक इज द ओनली चैंप इन जिम हुज फिनिश द वर्कआउट एंड डूइंग सम सेल्फीज आउट देयर ही इज द मैन टू कॉन्टैक्ट फॉर फिटनेस रियलिटी रियलिटी वर्सेज वो करियो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन कैसा वर्कआउट करता हूँ ऑसम वर्कआउट बहुत बढ़िया देखा लड़का इसके बराबर हीरा कहीं मिलेगा नहीं खोजने से भी नहीं तो तुम लोगों ने कभी देखा है बंदों को जिम में चिल्लाते हुए वाह वाह तू चिल्लाता है मैं क्यों चिल्लाऊं मतलब 15 लोग दिखे तो 1 किलो का डंबल उठा के घूम रहे उसमें भी रह करूंगी कैसे चलते हो 1 किलो देखे भले यही है उसने तो ज्यादा उठा रखा था अरे वो तो दिखाने के लिए कर रहा है वो साइड में आंटी उसे लगा सिंगल है गाइस रिव्यू वाइज ऐसा है जिम ठीक है मतलब इतना कोई ख़राब नहीं है बाकी शशांक होगा चल रही है बहुत ही औसतम जिम है बहुत ही ज़्यादा औसतम और पैसे तो बहुत ही ज़्यादा 1 करोड़ ले लेते हैं 3,000 है मतलब 1 महीने का सो गाइस ऐसा थोड़ा बहुत लॉकर वॉकर मिल जाता है चश्मा है तुम्हारा लॉकर में देख लो हमने कितना सामान रखा है बिल्कुल पजामा पहन के आ गया था ठंड लग रही थी सुबह बहुत बढ़िया बेल आइकन वाला हाँ तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन मुंह पे फेंक के मारो 2-3 लाइक मेरे बंधन तो प्यार का बंधन है सजन्मों का संगम है